जिले में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कहीं भी खुली जगह पर दिन दोपहर हाथ में हथियार लेकर लोगों को जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। जबकि यह वीडियो वायरल है जिसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। हालांकि इस वीडियो के बारे में किसी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि यह सबौर थाना क्षेत्र की शंकरपुर पंचायत स्थित पुरानी पन्नूचक अठगामा का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दिन के उजाले में दो लोग हाथ में देसी कट्टा लेकर खुलेआम ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों का नाम पन्नूचक अठगामा निवासी अशोक मंडल एवं राम प्रवेश मंडल है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही गांव में दहशत है। लोग पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चौबीस जनवरी को पटना में होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भागलपुर से सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता निजी वाहन से पटना रवाना हुए। इस मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता का पटना जाना इस बात को साबित करता है कि आज भी भागलपुर जिला वासियों के दिल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भागलपुर से रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं में जदयू की मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई, जदयू नेता राकेश ओझा, सकलदेव मंडल सहित कई कार्यकर्ता रवाना हुए। अरे जान है जो कि बिहार और एक के नेता छे अति पिछड़ा रो कर्पूरी जी जी जिनका आज अति पिछड़ा का दलित का पिछड़ा का बिहार में कोई मान सम्मान मिले तो उनके चलते मिलो छे। आज उनको जन्म शताब्दी समारोह छे पटना में, तो हमरा नहीं सब जनता जनार्दन मिल जा रहे छे। वहाँ कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? अब लोग गिनती करके नहीं हल नहीं जाते, जरा जन्ना साहब सब अपनों में सटलो जाए हम लेना जाए उनका कहे चलो भाई सब ने मिली सब अपनों अपनों विचारों से जुड़ लो छे। लोकसभा की तैयारी? अरे लोकसभा तो विधानसभा तैयारी करबे हो तोरा पूछे रही अनुमान? अरे अनुमान तोरा नहीं सब जो लगे बीच में बढ़िया सब जाके बेचने छो वो तब अनजान नहीं बनो। अगर अनजान पूछे कोई सवाले नहीं बने छे। अब है देखो हमें बताए छियो हम एक बात बता दे छियो अतीब साहब तोरा सबके पता छे की कहे छे अभी अयोध्या में आ वहाँ राम मंदिर के निर्माण होले माननीय प्रधानमंत्री सभी लोग गेले, लेकिन कोई भी निर्माण के बाद जे वहाँ राम जी के प्राण प्रतिष्ठा करलके हुनको जे हेड जजमान छे पंडित रो नाम ले ट्रस्ट के नाम ले हेड जजमान जे बैठले पूजा उनको कहीं देख लो टीवी में नाम हौत नहीं निकाल पड़ल जहां जाए रवि वहां जाए कभी पत्रकार महोदय कहाँ नहीं जाए छे तैयो हमरा निक हो जजमान रो नाम सुने अथिये रह गेले जजमान के बैठल के महापुरुष हो जजमान छे जेना कि प्राण प्रतिष्ठा में पति पत्नी मिलिक बैठले तोरा निक आउट करना चाहिए मीडिया में कि हम गलत बोल सही। अरे तोरा सी जहाँ जहाँ मिले वो सब मिली जते पत्रकार जहाँ मिला दे वो सब मिली जते बोलो तो तोरा सी जहाँ मिला जाते वही मिला दे तोरा तो मिला दम मारे नहीं छो। अरे कत्ता करबो अन्याय? अरे आब नहीं करो अन्याय पत्रकार महोदय प्रेस मीडिया अरे सबके तोरा सी ले लेलखो भाई बीजेपी ने अपनो अंडरों में आखिरी तोरा सी कहना बीजेपी ने हल्ला कर जो मिल अरे कहे जो कनियान कहने ने लोकनियो हक्कन कर हम कहीं मिले जाए नहीं छे बीजेपी में किसी मिल रहा और तोरा सी साथ दे छो कि मिल गया। अरे कुछ समझो अरे कटी टा ईमानदारी पाबो देश के चौथा स्तंभ छो अपना सनी नहीं करबो तो के करते हम तो रेसनी गुहार करबे हम जोड़ी के कि देश रो तो चौथा स्तंभ भाई अपनो जगह पाबो वो जगह नहीं रहो जगह पलटो नहीं ककरो राज्यपाल से मिले तो हम मुख्यमंत्री महोदय के लिए मिले तो उनका से पूछबो ना हमारे प्रवक्ता छे नहीं पटना में उनका से पूछी ना कथी गेलो मिले ले
वो हमें भागलपुर में छे उन्हीं पटना में गले मिले तो कैसा हमें समझी जिए। अरे 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 हुनका मनोम गलत फहमी हो गलो छे। हम सनी नहीं कह छे कल हमहू राम मंदिर में चार जगह पूजा करवेलिए और करवेलिए कार्यकर्ता सन 22 तारीख कल को दिन जे छे नी हर हिंदू मनाय छे उतरो राम जी जन्म होलो छे। बीजेपी के खिलाफ कोई उ मंदिर में दिया नहीं चले सब ने अपनो अपनो दिया पहले काम करे छे आई अखनी कंटा लागले के बाद देश में को अरे इतना मोनिक चलो कहो जे मैं जे करी के रखना छे एक बात कहियो कोई दारू पिलाव लाग रोड पर देखो नहीं मैं कहता हूँ सब शराब पी करके घलटा हुआ है तो मैं सबका हैंगे करे छे महू कह कर्पूरी जी को हैंग कर लिया है मैं वहाँ कमे कर सकता दूसरों बाहर नजर आवे छे। मंदिर बना तो आप खुश है नहीं खुश है? अरे हमरो ना के खुश ने छे है पूछी ला सब खुश छे नहीं आप गलत सोच रहे हैं आप लोग विरोध करते हैं हम लोग बोलते हैं कुछ आधा पेपर काट करके आप लोग निकाल देते हैं मुझसे विरोध आप लोग करवाते हैं हो को हलन से जो कहता है बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तेईस जनवरी को जिला परिषद के विरुद्ध होने वाली अविश्वास प्रस्ताव को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि रिट में जिन 2 बिंदुओं को उठाया गया उसके आलोक में उनके द्वारा सभी जिला परिषद के सदस्यों को नोटिस जारी कर एक आवश्यक बैठक बुलाई जाएगी जिसके बाद उनके स्तर से आदेश पारित किया जाएगा फिर पंचायती राज नियमावली के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले खेमे की जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि हम लोग सभी पार्षद एकजुट जीत हमारी होगी। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें 23 तारीख की बैठक को उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित करने का आदेश दिया है। उक्त के आलोक में कल देर शाम जो है मेरे स्तर से भी आदेश निकाल दिया गया था और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जो रिट में जो पॉइंट्स को उठाया गया है उसके आलोक में सभी सदस्यों की बैठक बुला करके मेरे स्तर से आदेश पारित होना है तो हम लोग जल्दी ही नोटिस निर्गत करेंगे सभी सदस्यों को सभी 31 सदस्यों को और उनकी बैठक बुलाई जाएगी यहीं जिला परिषद में और उसके बाद उनके पक्ष को सुन करके एक मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम है कोर्ट का आदेश तो सर्वमान्य सभी के लिए है तो हमारे कलेक्टर साहब कोर्ट के आदेश को माने और सर आश्वस्त भी किए कलेक्टर तो सर्वोपरि होते हैं जिला के उन्होंने आश्वस्त किए जैसे हमारे बड़े भाई धनंजय भैया ने बताए जो भी कर रहे हैं उन अपने क्षेत्राधिकार से ही कर रहे हैं और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं कलेक्टर साहब से संतुष्ट हैं चुनाव भी संपन्न शांति और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे लो हम लोग को ये जी आप लोग एकजुट हैं ना बिल्कुल एकजुट हैं 22 पार्षद एक साथ हैं और भी बढ़ गए हैं हम लोग ये आज की बंदी के कारण हम लोग 2 पार्षद और बढ़ गए उस खेमा का 2 पार्षद हमारे साथ हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे और जुट गए आश्वस्त हैं आप लोग बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं और चुनाव जीतेंगे और ये सच्चाई की लड़ाई है सच्चाई की तो लड़ाई तो जीत हमेशा होती है किसी भी परिस्थिति में। सड़क सुरक्षा माह को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एवं जिला परिवहन के द्वारा जागरूकता गाड़ी निकाली गई। जागरूकता रथ में यह दिखाया गया कि किस तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने से मौत हो जाती है। इस रथ में एक युवक को सीट बेल्ट लगाकर बैठाया गया था वहीं दूसरे डमी को सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था और सीट बेल्ट नहीं लगाने से यदि एक्सीडेंट होने की स्थिति में ब्रेक लगाया जाता है या गाड़ी कहीं से टकराती है तो बिना सीट बेल्ट पहने व्यक्ति सामने गिर जाता है गाड़ी के सामने के हिस्से से टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। यह जागरूकता रथ सैंडिस कंपाउंड के दक्षिणी गेट से निकाला गया और सैंडिस कंपाउंड की चारों तरफ घुमाया गया।
सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आपको महंगी गाड़ी काम की नहीं है जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। गाड़ी चलाते समय संकट के समय कोई साथ नहीं रहता, उस समय सिर्फ सीट बेल्ट ही आपका साथी होता है। कार्यक्रम में अखिलेश रिसू, धर्मेंद्र मृत्युंजय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अंग क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डीमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है, और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती ही यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। तो सभी कार चालकों से और जो कार स्वयं चलाते हैं या जो ड्राइवर चलाते हैं, सभी से अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, चार पहिया वाहन चलाएं, तो सीट बेल्ट दिया हुआ है, आपको जान बचाने के लिए दिया है, वो आपकी रक्षा है, वही असली जीवन साथी है जो संकट के समय आपको काम देता है, आपको पकड़ कर रखता है। लेकिन यदि आप उसको भुला देंगे तो जीवन शायद आपको भुला देगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आपदा मित्र द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया जो भागलपुर के घंटाघर चौक से निकलकर समाहरणालय गेट पर खत्म हुआ। इन सभी आपदा मित्र की मांग है कि महीने में सभी दिन काम मिले और महीने का वेतन भी सरकार ही दे। इसी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं आपदा मित्र के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों से महीने में 4 दिन ही काम लिया जाता है, बाकी दिन हम लोग बैठे ही रहते, इस वजह से हम लोगों को वेतन नहीं मिलता। ऐसे में हम लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा। ये यात्रा, तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों को काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे ध्यान आकर्षित करने की।